हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट कैसे बनती है, आइए देखते हैं। ये मैंने आज सूजी के गोलगप्पे बनाए थे, उसमें जो गोलगप्पे नहीं फूले हैं उनसे ही मैं ये पापड़ी चाट बना रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, इनको फेंकना नहीं है। अगर वो नहीं फूलते हैं तो आप उससे पापड़ी चाट बना सकते हो। इसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने दही लिया है आधी कटोरी, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट लिया है, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और एक चम्मच चाट मसाला, ये दो चम्मच मैंने शुगर ली है पिसी हुई है। अगर मोटी मोटे वाली नहीं लेनी, उसे आपको पाउडर बनाना है। ये इतना सा मैंने धनिया लिया है और ये मैंने नमकीन ली है आलू भुजिया वाली, और ये मैंने होममेड चटनी है जो मैंने इमली से बना रखी है। ये ग्रीन चटनी है जो ये भी मैंने घर पे ही तैयार की हुई है। आइए अब देखते हैं पहले क्या करना है हमें। सबसे पहले आपको दही को ऐसे अच्छी तरह फेंटना है। ये देखिए मैंने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसमें ये शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी पा सकते हो। ये देखिए एक ये स्पून बड़ा है, लेकिन जो मीडियम साइज का स्पून है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको। ये दो स्पून मैंने शुगर डाल दी है। शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप मीठा नहीं पसंद करते तो आप नहीं भी डालिए, लेकिन खट्टी मीठी चाट बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें डाला है। ये देखिए मैंने शुगर अच्छी तरह इसमें ऑब्जर्व कर घोल लिया है। अब मैं इसको ऐसे इस चाट पे ऐसे डालूँगी। ये देखिए आप अपनी चाट पे ऐसे इसको डाल दीजिएगा। ये लीजिए अच्छी तरह इसको ऐसे इसके ऊपर डालना है। अब इसके बाद ये जो मैंने घर पे सॉस बना रखी है वो डालूंगी मैं। ये देखिए ये डाल दी है। अब मैं इसी स्पून के साथ जो ये रेड चटनी मैंने घर पे तैयार कर रखी है ये डाल दूँ, सॉरी ग्रीन चटनी। ये देखिए ये डाल दी है मैंने। ये देखिए खट्टा मीठा जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हो। मेरे को जिस हिसाब से मेरे बच्चे खाते हैं मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। ये देखिए क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि दही में भी मीठा है और जो हमारी इमली वाली चटनी है वो भी थोड़ी सी मीठी है, इसलिए मैंने इस पर डाला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ये भुजिया डाल दूँगी। ये देखिए अगर दही आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हो इस पर। ये देखिए ऐसे, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। आप दही ज़्यादा डालना खाते हो जब कम खाते हो, ये आप वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। ये देखिए जो मैंने आधा चम्मच ये ब्लैक सॉल्ट लिया था, अब मैं इस पर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए और ऐसे ही मैं ये जो काली मिर्च का पाउडर है वो सब स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। इसके बाद ये चाट मसाला, ये देखिए उतना ही डालिए जितना इसमें जरूरत है। मैंने एक चमचा लिया था लेकिन एक चमचा नहीं डाला, इसमें से आधा ही डाला है। ये देखिए अब मैं रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। अब इसके बाद ये देखिए रेड चिल्ली भी पूरा नहीं डला, आधे से कम है, 1/4 डला है। अब मैं इसके बाद इस पर ये थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने ले रखा है, ये देखिए हरा धनिया भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो मत लीजिए। ये लीजिए ये हमारी टिक्की चाट बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये पापड़ी चाट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।